सुन तो, अरे क्या ये इसको कहाँ से ले आया? ये, अरे ये तो मेरा पेट है। अरे ये तो जंगलों में घूमते किसको खावा क्या तो? अरे फिकर मत कर, ये तेरे को नहीं खाएगा अभी, अभी अभी नाश्ता करवाया मैंने इसको, आज शाम की मैं नहीं सकता। मम्मी हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं हूँ अर्षद और चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, इसीलिए टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहता हूँ। और दोस्तों इस काम में टेक्नोलॉजी मेरा पूरा पूरा हेल्प करती है। दोस्तों इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना टाइम तो पास कर ही सकोगे, साथ में आपको मज़ा भी आएगा। और अगर आपने ये चीज़ किसी बच्चे को दिखा दी तो वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। दोस्तों इस फीचर का नाम है AR एनिमल, मतलब आर्टिफिशियल एनिमल। और जैसा कि आपने वीडियो में शुरू में भी देखा होगा कि इस फीचर की हेल्प से आप लाइव एनिमल को देख सकते हो, और अगर आपकी इच्छा है तो उसे आप अपने घर पर भी ला सकते हो। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, वो असल में आपके घर पर नहीं आएगा, केवल मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा कि वो मोबाइल के सामने बैठा है। और अगर उस जगह कोई रियल पर्सन भी मौजूद है तो ऐसा लगेगा कि वो रियल पर्सन उस एनिमल के बगल में ही बैठा है। लेकिन दोस्तों जैसे हर फीचर को यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही इस फीचर को यूज़ करने के लिए भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों आजकल के सभी मोबाइल इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर साइड में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें उन सारे मोबाइल फ़ोन्स का नाम है जो कि इस फीचर को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन इस लिस्ट में है लेकिन फिर भी इस फीचर को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस एरर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में आकर किसी भी एनिमल का नाम टाइप कर लेना है जो कि इस लिस्ट में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे डॉग टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए इससे रिलेटेड सजेशन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर व्यू इन 3D लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अब ये लाइव डॉग आ चुका है, इसको आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। बाकी इसमें कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों घबराइए नहीं, बैक करते हैं और यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और सर्च बार में जाके टाइप करते हैं गूगल प्ले सर्विस फॉर AR। अब देखिए पहला ही सजेशन गूगल प्ले सर्विस फॉर AR का आता है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अब इंस्टॉल हो चुका है, अब इसमें और कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही मोबाइल के अंदर वर्क करेगा और हमारी लाइव एनिमल सर्विस को सपोर्ट करेगा। अब वापस से हम पुराने ऑप्शन पर आ गए हैं, व्यू इन 3D पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए आप नीचे देख सकते हैं व्यू इन योर स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये एक्सेस मांगता है तो गिव एक्सेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने रूम में अपने मोबाइल को थोड़ा सा इधर उधर मूव करना है ताकि ये हमारे लाइव एनिमल के लिए जगह ढूंढ ले। और जैसे ही जगह ढूंढ लेता है देखिए हमारा लाइव एनिमल आ जाता है। इस एनिमल को आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, मैं इस डॉग को यहाँ पे सोफे की सीट पे बिठा देता हूँ। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई असली का ही कोई डॉग यहाँ पर आकर बैठ चुका है। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है, बिल्कुल ये छोटा पपी जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमल को अपने लाइव स्पेस में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बियर टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए भालू आ जाता है। वापस से वही ऑप्शन हम रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लाइव बियर आ चुका है। अब हम यहाँ पे ऑक्टोपस टाइप कर लेते हैं, तो ये देखिए ऑक्टोपस आ चुका है। देखो ये कितना अजीब सा लग रहा है, बड़ा डरावना सा लग रहा है। यहाँ पे शार्क भी हम ला सकते हैं, देखिए कितनी डरावनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे रूम के अंदर हवा में ही तैर रही है। टाइगर और बाकी के एनिमल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फीचर की हेल्प से बड़ी आसानी से लाइव एनिमल को अपने घर में अपने स्पेस में देख सकते हो, उसके साथ में पिक ले सकते हो, उसके साथ में वीडियो बना सकते हो और बाद में इन्हीं वीडियोज और पिक को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो। इस तरीके से आपका टाइम भी पास हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।